खबर है सतना जिले अंतर्गत आने वाले तहसील रामपुर बाघेलान की, जहां सीनियर अनुसूचित बालक छात्रावास छिबौरा में छात्रावास के छात्रों से शौचालय सहित पूरे छात्रावास की सफाई छात्रों से कराई जाती है। छात्रावास के अधीक्षक एम के कुंभकार के द्वारा छात्रों को डराकर धमकाकर चौकीदार के खिलाफ उल्टी शिकायत पत्र लिखवाया गया, जिसकी जानकारी छात्रों सहित बालक छात्रावास में पदस्थ चौकीदार ने व्यथा सुनाई। आखिर जब सरकार छात्रावासों में हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है और सरकारी बजट आता है, तो फिर अधीक्षक द्वारा सफाई कर्मी क्यों नहीं रखा गया? छात्रों का तो यह भी कहना है कि कभी कोई सफाई कर्मी नहीं रखा गया और जो भी सफाई कर्मी का पैसा आता है वह अधीक्षक द्वारा आहरण कर लिया जाता है। जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं और कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। छात्रावास के अधीक्षक, जिसकी सह पर पूरी दबंगई से यह घिनौना खेल खेल रहे, जिन छात्रों के हाथ में कलम होनी चाहिए थी उन छात्रों के हाथ में झाड़ू और सफाई सामग्री पकड़ा दी गई। एक तरफ शिवराज सरकार गरीबों के लिए छात्रावास बनवा जाती है और उन्हें शिक्षा देने का तन भरती है, दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और है। अब देखना यह होगा कि कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। अगर छात्रों की मानी जाए तो अगर चौकीदार को स्कूल से हटाया गया तो हम छात्र भी यहाँ नहीं रहेंगे। क्या समस्या है आपको? सर जी, यहाँ पिछले 14 महीने से पानी नहीं संस्था, ट्यूबवेल सूखा हुआ था और बच्चे भी रहते हैं 50%, तो पानी की भयंकर समस्या। सर जी, मैं आए दिन अगल बगल से ये गांव से पानी किराए से लेता था, खरीद के लेता था, और समय से उस पानी का भुगतान ना होने के कारण वो गांव वाले मेले को गाली गलौज भी करते थे, क्योंकि मैं पानी खरीद के लेता था और समय से पैसा नहीं पाते थे पानी का, तो मेरे से बहस करते थे। यही तंग आके मैं एक दिन अधीक्षक महोदय जी से बोला कि सर पानी की व्यवस्था करिए, मैं रोज़ रोज़ यहाँ वहाँ किसके यहाँ पानी मांगने जाऊँ, 10 महीने से पानी नहीं है, टॉयलेट के लिए बच्चों को पानी लगता, खाने के लिए लगता है, मैं परिवार लेकर रहता हूँ, मुझे भी पानी चाहिए। तो पिछले 14 महीने सर जी पानी नहीं था। यहाँ सामने देखो ताला लगा, किस बात का ताला लगाए हैं? ताला सर बच्चों से दबाव दे के लिखवा रहे थे। अभी छात्रों ने बताया कि ये लेटरिंग ये सब ये ही साफ करते हैं क्या? यहाँ सर जब से लॉकडाउन लगा है तो तब से यहाँ कोई सफाई कर्मी नहीं है, और संस्था में जितने टॉयलेट हैं तो इस्तेमाल होता है तो बच्चे स्वयं साफ करते हैं, बच्चे साफ करते हैं या फिर मैं करता हूँ, जबकि ये स्वीपर का काम है सर जी। हाँ, खाद्यान्न लॉकडाउन के पहले का रखा 2.5 साल का, गेहूं भी सड़ गया है, चावल भी सड़ गया सर जी, वही खाद्यान्न मैं बच्चों को बना के खिलाता हूँ। कितने वो जानवर खाएं तो मर जाए सर जी, वही बच्चे को खिलाता हूँ खाना। कितने हफ्ते खिला रहे खाना? सितंबर सर जी 5 महीने से वही खाना चल रहा है सड़क में। लॉकडाउन पहले से वही गल्ला रखा। कौन दबाव बना रहा है ज्यादा? ये अधीक्षक महोदय सर जी चाहते हैं कि इनका, क्या नाम है उनका? महेश प्रजापति। कहाँ से आते हैं ये? हरदीप बैकुंठपुर से आते हैं सर जी, यहाँ रहते भी नहीं। अच्छा, हफ्ते में एक दिन आते हैं, रजिस्टर मेंटेन किए, बच्चे के सिग्नेचर लिए, बिल बनाए बच्चों का और चले गए। जी हाँ, क्या नाम है आपका? मैं मुकेश कुमार, चौकीदार जी। यहाँ ताला क्यों लगा? ताला सर जी बच्चों से जबरदस्ती लिखवाया जा था, जांच टीम आई थी सतना से मेरे खिलाफ, यहाँ क्या कैसा हुआ, तो बच्चे नहीं बोल रहे थे, तो दबाव बनाया गया कि बच्चों को बाहर करो जब ये नहीं लिखते, तो इसलिए ताला लगाते हैं। जी सर जी, जी सर जी, क्या करवाते हैं? बच्चों से जबरदस्ती मेरे खिलाफ लिखवाते हैं सर जी। जी लोगों को सर जो बोले थे, मतलब कि भैया जी बारे में लिखो, दबाव डाल के लिखवा रहे थे। किसके बारे में लिखवा रहे थे? मुकेश कुमार दहायत। ये कौन है यहाँ के? ये हमारे यहाँ के चौकीदार हैं यहाँ हॉस्टल के, और यम महेश कुंभकार सर ने बोले कि तुम लोग लिखो कि दारू पी कर आता है, मतलब पूरा यहाँ बहुत लोग को अंदर हॉस्टल में लाता है, रात को खाना बनाकर यहीं पे सोता, तो हम लोगों ने बोला नहीं लिखेंगे, इसलिए ज़बरदस्ती लिखवाया गया था, लेकिन मैंने नहीं लिखा। फिर क्या किया उन लोग ने? ज़बरदस्ती एक लड़के धीरज प्रजापति, उनसे लिखवा लिया, वो मतलब अभी न्यू स्टूडेंट है। तो आपने लिख रहे थे, क्या कर रहे थे, धमकी मिले थे आप? जी, कि आप मतलब बोले कि तुम लिखोगे तो लिखोगे। क्या कारण था इस विषय में? ऐसे ही मतलब बोर खराब हो गई थी ना, तो भैया जी मतलब बहुत दिन तक हम लोग दूर से पानी लाते थे, 1 किलोमीटर दूर से खाना बनाने के लिए, तो भैया जी ने एक दिन लगाया फोन, तो सर ने थोड़ी सी बात की फिर फोन काट दिया कि मैं आ रहा हूँ, ये कुछ तक नहीं बोला। फिर भैया जी ने फिर से लगाया फोन, तो फिर काट दिया भाई सर ने।
और फिर खाना क्या मिलता है आप लोग को यहाँ? खाने को दाल चावल, दाल चावल सब्जी कैसे मिलता है? बढ़िया। हाँ अभी मतलब 10-15 दिन से बढ़िया मिलता है, बाकी पूरा खराब मिल रहा था। पहले कैसे मिल रहा था? पूरा एकदम खराब, कीड़े मतलब सूंड़े कीड़े सब थे। अब कितने दिन से मिल रहा था पहले? पहले बहुत, जब से मतलब हॉस्टल खुली तब से मिल रहा था। सफाई कौन करता है यहाँ? सफाई अब यहाँ के कर्मचारी नए आ गए हैं। पहले कौन करता था? पहले हम ही लोग करते, सब लेटरिन ये पूरा हॉस्टल साफ हम ही लोग करते थे। क्या नाम है आपका? रोहित प्रजापति। कहाँ से हैं आप? गाजन। समस्या है आपको? यहाँ की समस्या ये थी कि सर वो पानी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए भैया जी हम लोग बहुत साथ दे रहे थे। और इसमें खाना वाना बहुत गंदा बनता है, मतलब जो गेहूँ से रहता है सड़ा घुना घुना देते हैं सर, और गेहूँ भी बहुत घुना रहता है। कितने दिनों से ऐसे सड़ा खाना आप लोग को मिल रहा है? सर जितने जिस टाइम से मतलब हॉस्टल खुली है उस टाइम से सड़ा घुना मतलब गेहूँ मिल रहा है हम लोग को खाने के लिए। क्या आप लोग ऊपर दबाव बना रहे हैं? आप हम लोगों के ऊपर दबाव ये बनाया जा रहा है कि मतलब भैया जी का साथ ना दिया जाए, मतलब चौकीदार का साथ ना दिया जाए, संस्पर्श किया जाए। कहीं आपने शिकायत की है क्या सर? कहीं बताया रहे आपने अधिकारियों से? हम लोग अधिकारियों से नहीं बताए हैं, और एक दिन बताने की कोशिश की तो फिर वो भैया जी के लिए मतलब नोटिस जारी कर दिए गए। किस बात की नोटिस? कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए इनको। मतलब जो इनके ऊपर जो नोटिस जारी की गई वो गलत है? जी सर। कैसे गलत है? भैया जी हम लोगों का साथ देते हैं, और जब हम लोगों को साथ देते हैं तो उसी की मतलब भैया जी के ऊपर ही कार्रवाई कर दी गई। आपको भी धमकी मिली? कौन काम कर रहे हैं आप साफ सफाई से लेके? यहाँ पर एक मतलब आते हैं साफ सफाई करने के लिए। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार सर। कहाँ से हैं आप? गाजन से। यहाँ अभी कहाँ रह रहे हैं? हॉस्टल छात्रावास में। जिस दिन से अगर खुली है तो लेटरिन वोटरिन हम लोग ही साफ करते हैं, और यहाँ पर झाड़ू वाड़ू होती है हम ही लोग लगाते हैं। और भैया जी के कहने पर मतलब उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है और हम लोगों के ऊपर भी दबाव। कौन दबाव बना रहा है? अधीक्षक सर। क्या नाम है इनका? महेश कुमकर। कहाँ के रहने वाले थे ये? हरदी के। बड़ी हरदी। कुल लोग कहने आप लोग 2 हफ्ते बाहर रहे यहाँ पर, क्या कहना है इसके बारे में? इसके बारे में कहना है कि मतलब हम लोग 2-3 दिनों से मतलब 1-2 हफ्ते से घर में हैं और ताला लगा था इसमें। अब जो भैया जी के कहने पर हम लोग को अंदर आने दिया जा रहा है। अब क्या परेशानी पड़ रही है? परेशानी ये पड़ रही है कि मतलब भैया जी यहाँ पर नहीं रहेंगे तो हम लोग भी नहीं रहेंगे। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार साहू। कहाँ से हैं? गाजन से। यहाँ कहाँ रह रहे हैं अभी? सीनियर अनुजात छात्रावास शिवरा। यहाँ परेशानी है कि वो मुकेश भैया जो हैं तो मतलब कि वो सर बोले अधीक्षक सर यहाँ दारू पी के हल्ला करते हैं, यहाँ मतलब स्टूडेंटों को परेशान करते हैं, सब गलत बात है। हम लोगों को सोचते हैं जबरदस्ती लिखवाया गया। मुकेश कौन है ये? मुकेश भैया मतलब हॉस्टल चौकीदार खाना बनाने जी। तो उस दिन जो आए थे वहाँ से। और अधीक्षक कौन है यहाँ? अधीक्षक महेश कुमकर। वो महेश कुमकर लेकर आए थे वहाँ से कुछ लोगों को, तो हम लोगों से ज़बरदस्ती लिखवा रहे थे। क्या लिखवाएं आप लोगों से? लिखवाए मतलब धीरज प्रजापति से लिखवाए थे कि तुम लिखो कि वो मतलब दारू पी के यहाँ मतलब हल्ला करते हैं, स्टूडेंटों को परेशान करते हैं, ऐसे लिखवा रहे थे। मतलब दबाव बनाया गया आप लोग के ऊपर? लोगों ने मना किया कि ऐसे नहीं है, बोले नहीं इनको सस्पेंड करवाना है यहाँ से, इसको हटा देना, बहुत मतलब गंदा आदमी है जी। और क्या बोले आप लोगों से? और मतलब पहले सफाई हमें लोग करते थे, और मतलब जिसने कहाँ की सफाई आप लोग कर दे? मतलब नहीं कि हॉस्टल झाड़ू वाड़ू और लेते हमें लोग साफ। शौचालय आप लोग साफ कर दे जी। क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र कुमार शाक्य।